गुड मॉर्निंग, और आप सभी कैसे हैं? सो गाइस, वही मॉर्निंग की डेली की वही हमारी शुरुआत। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, इसके पापा भी चले गए ऑफिस, मिशिका भी उठ गई है। बस रोहन का तो फिर मतलब 12 बजे थोड़ा उसको उठाती हूँ, तो फिर मिशिका अब बस अब अपना ब्रेकफास्ट करेगी। वो आज कह रही है मुझे ना उपमा बना दो, उसमें खूब सारी वेजेस डाल के तो मुझे उपमा बना दो। हमने तो बस वही एग वगैरह ही खाया, उसके पापा ऑमलेट खा गए और मैंने वही सैंडविच और बॉयल एग लिया है। और मैंने आज ये लिपस्टिक का ना न्यू शेड लगाया है, मिशिका ने ये ऑनलाइन मंगवाई थी, तो मैंने कहा चलो। मैं कहती है मम्मी कलर अच्छा नहीं आया, मतलब हमें ना कुछ जैसे चीज़ें हमने मंगवाई थी उसके बाद हमें ये फ्री मिला था कलर, तो कहती है अच्छा कलर नहीं है तो ये तो नहीं लगाना। मैंने कहा चलो मैं एक बार लगा के देखती हूँ, कभी कभी लगा लेंगे कुछ ऐसे मिक्स एंड मैच करके, मतलब जैसे कुछ और कलर लगाया और उसके ऊपर ये, या फिर मतलब कैसे भी करके। तो मैंने कहा चल देखते हैं, नहीं तो फिर हम लक्ष्मी को ही दे देंगे, वो लगा लेगी। तो बस वही अब हमारा वही अब शुरुआत, मतलब सुबह के कामों से ही शुरुआत हो रही है। आज थोड़ा मेरा भी ना ऐसे गला भी ऐसे पक्का पक्का लग रहा है, ऐसे फीवर टाइप लग रहा है। परसों भी मैंने आइसक्रीम खा ली और कल भी मैंने गोलगप्पे खा लिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ गई थी साईं बाबा मंदिर, तो फिर मिशिका ने पहले उससे पहले मेरे को खिलाया। 3 दिन से बस मैं ऐसे खा रही हूँ, तो फिर मुझे शायद ऐसे लग रहा है जैसे गला भी ना पक्का पक्का सा लग रहा है, तो ऐसे हल्का सा फीवर भी लग रहा है। तो बस अब मैंने कहा चलो एक क्रोसिन ले लेती हूँ, उससे फ़र्क पड़ जाएगा। तो बस अब देखो, अब मैं वैसे यही है कि लंच में तो मैं आज वही पालक पनीर बनाने की सोच रही हूँ, कि मुझे क्या कहती पालक बना दो। फिर लाए थे इसके पापा रात को सब्जियाँ सारी, अब मैं वॉश करती हूँ और फिर बनाती हूँ पालक पनीर। ये देखो, ये इतनी सारी सब्जियां कल ले आए थे, मैंने रात को तबीयत ऐसी थी, मैंने ऐसे ही रख दी सब्जियां ला के ना। मैंने कहा चलो अभी इनको ना गर्म पानी में, मतलब गीज़र चला दिया मैंने, मैंने कहा अब इसको इन सबको ना वॉश कर लूँगी। और ये पालक भी लाए थे तो, और मैं आपको इसका ना ये उपमा भी दिखाती हूँ। इसमें मतलब मैं इसका बना रही हूँ ये वाला MTR का उपमा, तो इसमें मैं थोड़ी सी वेजेस डाल दूँ, जैसे बारीक गाजर का कद्दूकस करके, और क्या कहते हैं, और थोड़ा सा कैप्सिकम डाल दूँगी ये वाला, मतलब जल्दी बन जाता है। बस ये है कि इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाल दो तो ये उपमा 5 मिनट में बन जाता है। तो बस मैं वही अब इसकी कैरेट वगैरह का कद्दूकस कर रही हूँ और इसको बना के देती हूँ। ये मतलब अब पालक लाए थे ना, तो फिर पालक को मैंने अच्छे से वॉश करके ना ये कुकर में डाल दिया है। अब इसको एक दो विसल दिलवा दूंगी थोड़ा सा पानी डाल के, फिर ये बॉयल हो जाएगी। उसके बाद इसमें मतलब तड़का लगा के पालक पनीर बना दूंगी। और इधर भी मैंने ये वेजिटेबल्स लाए थे, भिंडी लाए थे, गाजर, कुकम्बर, वो सब मैंने इसको मतलब वॉश करके रख दिया। अब ये इसको भिंडी को भी इसमें वॉश कर दिया है, और ये धनिया पुदीना भी रखा है। बस इनको अच्छे से सुखा के फिर कल बनाऊंगी भिंडी, देखती हूँ कल या परसों। वॉश तो कर दिया मैंने, तो अब मैं पालक पनीर बनाती हूँ। ये अब तड़का लगा रही हूँ, बस पालक पनीर बना रही हूँ। तो इसमें मैंने एक प्याज और एक हरी मिर्च कट करके इसको मतलब घी में थोड़ा फ्राई कर रही हूँ। फिर उसके बाद ये मैंने मसाला किया हुआ टमाटर का, इसमें थोड़ी सी अदरक डाल दी थी और 2 टमाटर, और ये थोड़े से लाल हो जाते हैं प्याज, तो फिर मैं इसमें ये प्यूरी डाल दूँगी। और फिर इसमें नमक मिर्च वगैरह डाल के तड़का रेडी हो जाएगा। तो फिर मैं इसमें जो बॉयल पालक है वो ऐड कर दूँगी इसमें, और क्या कहते हैं फिर इसको सिम पे करूँ। अब ये देखो मैंने डाल दिए, अब इसमें वो डाल दिया तो प्यूरी, और यहाँ पे पालक भी बॉयल हो गई है। इसको मैं पीस लेती हूँ और इसमें डाल दूंगी, फिर थोड़ा सा इसको भून के पालक को, फिर पनीर डालती हूँ। ये बन गया है पालक पनीर। और इधर मैंने वो जो करेले थे वो बना रही हूँ, इसमें बस मैंने एक प्याज और करेलों में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। ये बस अब हम गाड़ी में घूम रहे हैं, गाड़ी में थोड़ी सैर करने आए हैं, इनको काम होता थोड़ा, तो मैंने कहा चलो थोड़ा ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ और आपको बाहर का भी थोड़ा दिखाऊँ व्यू। हम इस टाइम कनॉट प्लेस साइड ही हैं, तो बस अब मैं आपको, अब हम यहाँ पे लेफ्ट मुड़ रहे हैं, टनल की तरफ जा रहे हैं, और
प्रगति मैदान वाली टर्मिनल है, तो बस वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। इधर हमने इंडिया गेट से आ रहे हैं और इधर अब टर्मिनल है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे ना यहाँ की रोड्स बहुत अच्छी लगती हैं, एकदम जैसे क्लीन बिल्कुल और खुली खुली, क्योंकि ये सारा वीआईपी एरिया है तो यहाँ तो रोड्स काफ़ी अच्छी हैं। तो जैसे हमारा रोहिणी तो थोड़ा मतलब है, तो वहाँ भी रोड्स खुली, लेकिन फिर भी थोड़ा सा साफ़ सफाई के लिए तो ये यहाँ की बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगता है मुझे, तो अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर आना। ऐसा लगता है जैसे हम मतलब दिल्ली से कहीं बाहर ही हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। ये हम बस इंडिया गेट की तरफ मतलब आए हुए हैं और ये काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पे, तो ये सारा पूरा ऐसे इंडिया गेट है। सो गाइस बस आज के ब्लॉग में तो इतना ही। आज हमारा मतलब आज का दिन तो हम काफ़ी बाहर ही रहा। पहले इसके पापा के साथ मैं मार्केट चली गई थी, फिर मिशिका के साथ उसकी फ्रेंड के घर चली गई, तो मतलब डिनर हमारा वहीं पे हो गया था। इसकी फ्रेंड की मम्मा ने भी काफ़ी कुछ मंगवा लिया था, तो बस डिनर भी हमारा हो चुका है और आज के ब्लॉग में तो बस इतना ही। तो कल मिलेंगे आपको एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, टेक